हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज करवा चौथ है और मैंने फास्ट रखा है करवा चौथ का, और काफ़ी सारी तैयारियां की हैं मैंने। बस मेरे पास साड़ी था, ब्लाउज था, बहुत सारी चीज़ें थी, चूड़ा भी था मेरे पास, बट देख मैंने पहना नहीं है, बाकी सब फ्लॉप हो गया। मैं दिखाऊंगी आपको, जो साड़ी थी वो स्काई कलर थी और ब्लाउज रेड कलर की ब्लाउज थी, और चूड़ा भी था मेरे पास, मैंने खोल दिया क्योंकि उसका स्टोन आउट हो रहा था और ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने खोल दिया, उसे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। और साड़ी जो था स्काई ब्लू कलर का था, जो कि मेरे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, ब्लाउज के साथ, ब्लाउज भी मेरी डिजाइनर ब्लाउज था मैरून कलर का। मैंने सब कुछ पहना और सब कुछ ट्राई किया और सब कुछ खोल दिया, और मैंने पूजा किया मेरी मम्मी के साथ, और पूजा किया काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे पूजा करके। मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया, और ओम तो काफ़ी बदमाशियाँ किए जा रहा था, वो हमें पूजा ही करने नहीं दे रहा था, फिर भी हमने पूजा किया। अंशु खिला रही थी उसको, और हमने पूजा किया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चाँद निकलने का, इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत टाइम लगा रहा है चाँद निकलने में। भूख प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन इंतजार है बस अर्घ देने का और चाँद निकलेगा और पूजा करेंगे और छटपट पानी और चाय पियेंगे, बस इसी का इंतजार है। थैंक यू। पिछले दिन हमने मेहंदी लगाया था, दोनों पैरों में मेहंदी लगाया मैंने, जैसा कि देख सकते हैं खुद से लगाया, कोरोना बाहर नहीं जा सकते, फिर मैंने हाथ में लगाया दाहिने हाथ में, और मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है। काफ़ी मेहनत लगा लगाने में, और कैसा लगा मेरा मेहंदी प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और उसके बाद मैंने खूब सारा वीडियो बनाया जो कि दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैं तैयारी हुई थी, और मेरी मम्मी ने सिंदूर लगा दिया। हमारे बिहार झारखंड में ऐसे ही सिंदूर लगाते हैं, और शंकर शिव पार्वती जी का मैंने फ़ोटो रखा है, खूब फूड चढ़ाया है, पैसे चढ़ाए हैं, दीप जलाया है, और दो कलश था, जिसमें एक कलश तो मैंने भगवान सूर्य को जल दे दिया, और दूसरा कलश जो है वो मैं रात को चंद्रमा को रख दूँगी। उसके बाद सारे फ्रूट वगैरह सब मम्मी को, ये प्रसाद है जो सुहागिन औरत को देते हैं, या सास हो या माँ हो किसी को देते हैं, जो कि मैं अपनी मायके में हूँ तो अपनी मम्मी को दूंगी। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, मम्मी पूजा करके उठ गई हैं, तो मेरा वीडियो थोड़ा कुछ बन जाए, इसलिए मैंने अंशु को बोला चलो वीडियो बना लो मेरा पूजा करते वक्त का, और मैं पूजा कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, खूब सारी तैयारियां करी हैं मुझे, जितना हो सकता है मैंने तैयारी की है। कैसा तैयारी की है प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। और ये मेरे मायके का पूजा घर है, और अच्छा सजाया है सबने मिलके, और करवा चौथ माता, मैं यही कामना करूँगी सबके सुहाग की रक्षा करें और सबका सुहाग बना रहे हैं, जिसने जिसने व्रत किया उसका सुहाग बना रहे हैं। और ये मैं कैसे तैयार हुई हूँ और कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, हल्का फुल्का इंस्टाग्राम वीडियो, यदि आपको शर्मा के मेरी जाना चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। वीडियो मैंने काफ़ी बना लिया, अब मैं थक गई हूँ और थक कर रेस्ट कर रही हूँ, और वेट कर रही हूँ चाँद निकलने का, क्योंकि चाँद निकलने के बाद मेरा अर्घ होगा और मैं पूजा करूँगी और अपना व्रत तोड़ूँगी। और मीन टाइम मैं आपसे बातें कर लूँ, और यहाँ पे मैं अपने आप को निहार रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं। इस बार मैंने साड़ी नहीं पहना, सूटी पहना है, क्योंकि साड़ी का कुछ मिक्स मैच नहीं हो पाया, और कोरोना की वजह से हम बाहर भी नहीं जा पाए शॉपिंग के लिए, और एक दिन गए भी थे कुछ टाइम के लिए, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी जो माल है इधर माल जो है फ्रेश नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे, और कुछ अच्छा नहीं पसंद
दिखा मुझे, इसलिए तो मैंने नहीं लिया। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, कुर्ती और प्लाजो, जो कि मम्मी ने बोला काफ़ी अच्छा लग रहा है तो पहन लो, तो वही मैं पहन के अपने आप को देखे जा रही हूँ कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद मैं काफ़ी थक गई हूँ और इंतज़ार किए जा रही हूँ, क्योंकि इस बार चाँद बहुत लेट से निकल रहा है, हर बार ही लेट से निकलता है। देखो चाँद निकल गया, अब मैं पूजा कर रही हूँ। पहले मैंने जल दे दिया, अब मैं चंदन चढ़ाऊँगी, छत चढ़ाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी और कुछ मिष्ठान चढ़ाऊँगी। उसके बाद फल चढ़ाऊँगी, फल में केवल मेला है, केला है मेरे पास, और वही चढ़ाऊँगी। फिर इस पूजा समाप्त होगा। खैर इस बार भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, वो दिल्ली में है, लॉकडाउन की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई। और मैं पूजा कर रही हूँ और उनको काफ़ी मिस कर रही हूँ। और मैं अपने मायके में हूँ, और हालांकि फैमिली वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मम्मी पापा भतीजे भतीजे बाकी सारे लोगों ने, फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया, पूजा में काफ़ी हेल्प किया। हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, हम बिहार के हैं, और मैं दिल्ली में रहती थी तो मैंने सीखा वहाँ पे कैसे करते हैं। हालांकि मुझे करना था ये व्रत, मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए, हमारे यहाँ तीज होता है तो मैं तीज और करवा चौथ दोनों ही करती हूँ, मेरा पति सदा चिरंजीवी रहे और मैं हमेशा सदा सुहागन रहूँ। और देखो मैं अपने पति को देख लिया, अब मैं उसके बाद मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपना व्रत तोड़ूँगी। धन्यवाद।